दोस्तों साल 2014 में आया सीरियल मेरी आशिकी तुमसे ही तो आप सभी ने देखा ही होगा, जहां उस समय ये सीरियल दर्शकों द्वारा खूब देखा गया था। तभी तो ये सीरियल उन दिनों का हिट सीरियल माना जाता है। वहीं सीरियल हिट बनाने में सीरियल के कलाकारों ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी, इसलिए दर्शकों ने सीरियल की स्टोरी के साथ साथ सीरियल के कलाकारों की जमकर तारीफ की थी और इन सभी कलाकारों पर अपना प्यार भी बरसाया था। तभी तो आज भी सीरियल के साथ दर्शक सीरियल के कलाकारों को याद करते हैं। लेकिन आज इस सीरियल को प्रसारित हुए 6 साल हो गए हैं और इन 6 सालों में सीरियल के कलाकार भी काफी ज्यादा बदल चुके हैं, इसलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको सीरियल के कलाकारों की आज के बारे में बताएंगे। तो बिना वक्त गवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और रूबरू होते हैं एक एक करके इन्हीं कलाकारों से। नंबर 1, राधिका मदान। सबसे पहले बात करते हैं इस सीरियल में ईशानी पारेख का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री राधिका मदान की। इन्होंने इस सीरियल में अहम भूमिका निभाई थी, जहां दर्शकों ने इनके किरदार को खूब पसंद किया था। वहीं आज 26 साल की हो गई हैं और इन सालों में ये काफी ज्यादा बदल चुकी हैं। इस सीरियल में ट्रेडिशनल ड्रेसेस, साड़ी और सूट पहने सिंपल मेकअप के साथ सीधी साधी नजर आई थी, तो वही आज काफी ज्यादा मॉडर्न हो गयी है। बता दिए ज्यादातर वेस्टर्न ड्रेसेस पहन पसंद करती हैं, जिसमें ये काफी ज्यादा स्टाइलिश और हॉट नजर आती हैं। वहीं एक नजर डालें इनकी पर्सनल लाइफ पर, तो बता दिए आज भी पहले की तरह सिंगल हैं और सिंगल ही अपनी फैमिली के साथ मुंबई में रहकर खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। पर इन्होंने आज भी अपने करियर को बरकरार रखा है, जो लास्ट टाइम शिद्दत मूवी में नजर आई थी। नंबर 2, शक्ति अरोड़ा। अब बात करते हैं इस सीरियल में रणबीर का किरदार निभाने वाले अभिनेता शक्ति अरोड़ा की, तो बता दें इन्होंने अपने इस किरदार से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया था। वहीं आज 35 साल के हो गए हैं। ये सीरियल में ज्यादातर फॉर्मल ड्रेसेस में क्यूट से लुक के साथ नजर आए थे, तो वहीं आज भी उतने ही क्यूट हैं जितने की इस सीरियल में नजर आए थे। लेकिन इन्होंने अपनी ड्रेसिंग सेंस में थोड़ा सा चेंज किया है और आज ये पहले से ज्यादा स्टाइलिश ड्रेसेस पहनते हैं। लेकिन बता दें इन्होंने साल 2018 में नेहा सक्सेना से शादी कर घर बसा लिया था और आज उन्हीं के साथ अपनी खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। वहीं इन्होंने वर्तमान समय में अपने करियर से दूरी बना रखी है। नंबर 3, अर्जुन बिजलानी। लिस्ट के तीसरे नंबर पर बात करते हैं सीरियल में शिखर मेहरा का किरदार निभाने वाले अभिनेता अर्जुन बिजलानी की, तो आपको बता दें उन्होंने भी अपने किरदार से दर्शकों का दिल जीता था। तो वहीं आज 39 साल के हो गए हैं, जहां सीरियल में ये काफी हैंडसम और स्टाइलिश नजर आए थे, तो वहीं आज भी ये इतने सालों बाद उतने ही हैंडसम और स्टाइलिश हैं और ये हर एक ड्रेसेस में बेहद चार्मिंग नजर आते हैं। इसी के साथ इन्होंने साल 2013 में नेहा स्वामी से शादी कर घर बसा लिया था, जिनसे इन्हें आज एक बेबी भी है और इसे फैमिली के साथ ही मुंबई में रहकर खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। बता दें इन्होंने आज भी अपने करियर को बरकरार रखा है। नंबर 4, उत्कर्षा। इस लिस्ट के चौथे नंबर पर बात करते हैं सीरियल में अंबा का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री उत्कर्षा की, जहां ये सीरियल में रणवीर की मां बनी होती हैं। वहीं आज 43 साल की हो गई हैं, जहां ये सीरियल में हैवी ज्वेलरी के साथ डार्क मेकअप और साड़ी में नजर आई थी, तो वहीं आज पहले से काफी ज्यादा स्टाइलिश हो गयी है और ट्रेडिशनल के साथ वेस्टर्न ड्रेसेस भी कैरी करना पसंद करती है। लेकिन इनके फेस पर बढ़ती उम्र की झुर्रियां देखने को मिल जाती है। वहीं इन्होंने कई साल पहले मनोज वर्मा से शादी कर घर बसा लिया है और आज इन्हीं के साथ मुंबई में रहकर खुशहाल जिंदगी बिता रही है और आज भी इन्होंने अपने करियर को बरकरार रखा है। नंबर 5, स्मृति खन्ना। अंत में बात करते हैं इस सीरियल में रितिका का किरदार निभाने वाली स्मृति खन्ना की। इन्होंने भी इस सीरियल से दर्शकों का खूब दिल जीता है। वहीं आपको बता दें कि ये आज 31 साल की हो गई हैं, जहां ये सीरियल में ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहने हुए सिंपल मेकअप के साथ नजर आई थी, तो वहीं आज काफी ज्यादा स्टाइलिश हो गयी है और ज्यादातर वेस्टर्न ड्रेसेस पहने हुए नजर आती है। लेकिन एक नजर डाले इनकी पर्सनल लाइफ पर, तो ये आज अपने हस्बैंड गौतम गुप्ता के साथ मुंबई में रहकर खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं, जिनसे आज एक बच्चा भी है। वहीं इन्होंने आज भी अपने करियर को बरकरार रखा है। तो दोस्तों, आप इस सीरियल के कलाकारों के आज के बारे में जानकर क्या कहना चाहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।